मेरे अति प्रियो यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। एक महीना की अंतिम दिन में हम आए हैं। महीना भर परमेश्वर अद्भुत रीति से अगुवाई किया है। यरूशलेम की चारों जगह में प्रभु देखने के लिए और प्रचार को सुनने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया। आप इस दिन में देख रहे हैं ना, मैं मेज में जो रखा हुआ खाने का रोटी और कुछ बातें रखी हुई है, यहूदियाँ इसको पसंद से बहुत खाते हैं, बहुत अच्छा एवं स्वादिष्ट वो बनाते हैं, तिल मिला के बनाते हैं, मुझे बहुत पसंद है, खरीद के खाते हैं। मिला के खाने के लिए अलग से मसाला भी देते हैं, उस रोटी के साथ मिला के वे खाते हैं। जो कोई यहाँ आते हैं वे लेके खाते हैं। विश्व भर से जो टूरिस्ट लोग आते हैं ना, इसको पसंद से लेके वो बहुत खाते हैं। आज परमेश्वर का वचन को हम अध्ययन करेंगे, निर्गमन 14 अध्याय का उसका 13 वचन। खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। इसराइलियां जब मिस्र देश से निकलकर कानान की ओर यात्रा कर रहे थे, उस वक्त मिस्र की सेना ने उनको पीछा किया है और देख रहे हैं आगे लाल समुद्र है, वहां वो डूब सकते हैं, और पीछे वो मिस्र की सेना उनको और पीछे कर रहा था। जैसे उस हालत में आ गए, इसके बाद आगे कुछ भी रास्ता नहीं है, मिस्रियों की आत में पसना, वहां जाके मरना है। उसी वक्त में प्रभु का वचन निकला, तू खड़े खड़े परमेश्वर उद्धार का काम को देखोगे। परमेश्वर ने उनके सामने अद्भुत काम किया, तुम्हें लड़ना पड़ेगा, नहीं मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। प्रभु उस लाल समुद्र को कम से कम 18 किलोमीटर उस समुद्र को दो भाग करके इसराइलियों को वहां से उन्होंने निकाला। मिस्र की सेना ने पीछे किया, उनको परमेश्वर ने वहां नाश किया, प्रभु विजय को दी। यदि परमेश्वर युद्ध करेंगे तो उनकी तरीका ऐसे ही, आपके सारे दुश्मनों को जो आपको पीछे कर रहे हैं उनको परमेश्वर नाश करेगा, आप जय पाओगे। परमेश्वर कहता, शांत हो के प्रभु के काम देखो। विश्वास के साथ कहना, हे प्रभु तू मेरे लिए आज युद्ध करेंगे, मैं उसको देखूंगा। क्या विश्वास है? तब मेरे साथ मिलकर दुआ करें। हे प्रभु, जो कोई इस वादा को अपना के प्रार्थना करते हैं उनके लिए रुकावट को दूर करके मार्ग को तू खोलना, शत्रु की क्रिया पर तू विजय को देना है। यीशु के नाम से आज इनके जीवन में अद्भुत काम हो। आमीन, आमीन।